शायद अभी बज रहे हैं 9:22 और यार मौसम देखिए क्या हो रहा है, रेड अलर्ट था पर कुछ तो हुआ नहीं। और मंजीत भैया यहाँ पे हम लोग जिम बंद करवा के जा रहे हैं, गुरु जी परेशान हो जाते हैं हम लोगों से, नहीं कहते भैया अब निकलो। सो लेट्स गो, चलते हैं। और आज एक्सरसाइज बहुत फाड़ू रही और अपना फैट लॉस चैलेंज स्टार्ट है, 2 दिन बचे हुए हैं तो उसको लगाते हैं चल के। पहले हम लोग जिम से आ चुके हैं और हमारे 5 मिनट हुए हैं जिम से आए हुए, बट क्या बताएं, 2 दिन बचे हुए हैं फैट लॉस चैलेंज के। एक्सरसाइज लगाए बिना तो हम रहेंगे नहीं, और 2 दिन बचे हैं और मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं खुश हूँ ये चैलेंज लेके, क्योंकि वो मेरी बॉडी को ही फ़र्क पड़ा और मैं खुद से उसे फ़ायदा उठा पा रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब के लिए बना लिया तो ऐसा नहीं है, सो हमें खुद से फ़ायदा हुआ इसका, तो यही बड़ी बात है। सो आज हमारे साथ अजहान भी लगाएंगे एक्सरसाइजें। हेलो गाइस, मैं एक्सरसाइज लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे मामू के साथ। क्या नहीं पता है कैसे लगाया जाते, तो मामू साथ हूँ तो यहाँ पे लगाऊंगा। यार ट्रेनर बैठा हुआ है यहाँ पे, यार तुम क्या हो, ट्रेनर यहाँ पे बैठा हुआ है, लगाते हैं एक्सरसाइज। Many hours later. अभी टाइम हो रहा है 4:28 और हम हर गांव से निकले हुए थे और यहाँ पे स्टक हो गए हैं, कहीं बेनीपुर गांव है कोई ओयल के पास, तो यहाँ पे हम लोग स्टक हो गए हैं। सो अब भाई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सो लेट्स गो, वापस जाना पड़ेगा यार। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और ये बूमर हमारे आसपास लग गए हैं। ये कौन आ गए, इनके दोस्त हैं क्या? अरे बेटा तुम दोनों लोग कहाँ गए? वी आर हेयर एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ से हम लोग कूलर ले गए थे, तो उसमें कोई दिक्कत आई थी तो वही कस्टमर केयर वाली कंप्लेंट चल रही थी यहाँ पे। और ये भाई की शॉप है और यहाँ पे ये हनुमान मंदिर के जस्ट सामने ही है। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी बैठे हुए हैं परदीन, जो काफ़ी टच में रहते हैं हमसे, और इनका भी ब्लॉग चैनल है, तो ये इनका ये आ रहा होगा, तो इस पर आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल पर जाके सब्सक्राइब करिए। A few inches later. तो अभी टाइम हो रहा है 5:29 और हम लोग आए हुए हैं छत पे। आज तो मौसम ने तो गदर ही काट दिया यार, क्या ही सुहाना मौसम हो रखा है। तो 5:29 हो रखा है टाइम, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से। सो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं 4:45 पे घर से बाहर निकला और मैं जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखी, एक बंदा स्कूटी से ऐसे आता है और मैं इसे तुरंत रोक के मैं सामने से कहता है, भाई मैं आपका व्लॉग देखता हूँ, मैं आपके डेली व्लॉग देखता हूँ, एक्साइटेड था मिलके, मेरे से मैं चीज़ें अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था, मतलब मैं एकदम अमेज्ड हो गया, मैं एकदम मतलब मैं कह यार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, मतलब हो सकता है बट ऐसे अनएक्सपेक्टेड था। कि अभी तक जितने भी बंदों ने मेरे को अप्रिशिएट किया वो सब नोन बंदे थे मेरे, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, बट वो बंदा भाई अननोन था मेरे लिए, बिल्कुल भी अननोन था वो, उसको मैंने एक दो बार देखा हुआ है मार्केट में, बट यार वो बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली मतलब वो यार मेरे से मिला और मेरे को इतना अपनी फीलिंग को बता रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये यार, कि एज अ क्रिएटर तुम मेहनत मतलब तुम व्लॉग डालते जा रहे हो बट लोग उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और वो मतलब एक कहता हर एक वीडियो देखता है मेरी। सो मेरे लिए तो भाई नई चीज़ है और मेरे को भाई अप्रिशिएशन ये बहुत है, नेक्स्ट लेवल का लगा मेरे को भाई, यही बहुत है मेरे लिए यार, ये भाई अप्रिशिएशन मेरे लिए वर्थ इट है मेरे काम को लेके। अगर मैं काम कर रहा हूँ कोई और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको अनबायस्ड होके अच्छे से उसको देख रहे हैं, सो या इससे मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं है। और मैं खुश हूँ कि मैं व्लॉग बनाता हूँ और लोग देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं अच्छे से, सो या लव यू ऑल, और ऐसे सपोर्ट करते रहें और व्लॉग तो आते रहेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम जा रहे हैं दशहरा का मेला देखने, जो कि रावण दहन है। सो देखते हैं रावण दहन में भाई कैसा क्या रहता है, और हिमांशु को पहले उठाएंगे चल के, फिर देखेंगे चल के रावण दहन। सो या चलते हैं भाई, लखीमपुर का रावण दहन बहुत ही फेमस है। सो हम लोग जा रहे हैं दशहरा मेला देखने और हमको ये बहुत अच्छा लगता है यार, जो मतलब जब प्रशासन इसमें पूरी हेल्प करता है कि आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते हो 4-व्हीलर, और ये LRP से फॉलो हुआ है, LRP से रूल फॉलो हो रहा है कि गाड़ियां अंदर नहीं आ रही हैं और यहाँ पे केवल पैदल चल रही है और बाइकें चल रही हैं, और काफ़ी भीड़ हो रही है यार, क्योंकि ये एक आइकॉनिक मेला है, जो लखीमपुर का आइकॉनिक मेला है, यहाँ तक ही आने दे रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, आगे नहीं जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, बट हम लोग जाएंगे इधर देखने मेला। सो लेट्स गो, ये तो अलग ही पार्ट लग रहा है लखीमपुर का, और यहाँ पे भाई रावण भी दिख रहा है हम लोगों को, रावण यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है भाई, ये फ्रंट फेसिंग नहीं है भाई, बहुत भीड़ हो रही है। तो
आप लोग कहाँ से हो? सीतापुर से। आप लोग स्पेशल काम के लिए बुलाए गए हो? तो यहाँ पे मेन रामलीला हो रही है। इतिहास कहता है भाई
भाई से नहीं होता है। सही बात, भाई पवित्र होता है। सही बात, सही बात, काम आता है। बिल्कुल सही, अगर राक्षस अच्छा किया लेकिन यहाँ पे प्रशासन और कमेटी के बीच में कुछ अनबन हो गई है, समझौता की कोशिश। अब वहाँ नहीं।
तो गाइस 9:23 हो रहा है और 9:23 पे रावण देर होता है प्रॉपरली। और ये देखिए पूरा गया हो चुका है। हम लोग जाते हैं घर वापस और काफी सही रहा, काफी रश था यहाँ पे, काफी भीड़ है। सो लेट्स गो, चलते हैं घर वापस। हिमांशु घर से जा रहे हैं। कैसा रहा भाई? बहुत रश था यार, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहाँ पे आर्यन हमारे पीछे खड़े हुए हैं। इनका भी चैनल है यूट्यूब का, मैं अभी लिंक डालू नीचे, तो जाके चेक कीजिए। आर ओ पबजिस्टर नाम से है, सो आप इनको सपोर्ट करिए जाके, नया चैनल है। सो यार तो चलते हैं हम घर।